एनजाइम फंक्शन फर्स्ट दम सबस्टेट कम्प्लेक्स बाइंडिंग एनर्जी एंडज़ाइम इफेक्ट रिएक्शन रेट्स स्टूडेंट्स लेट वी स्टार्ट विद द हाउ एजाइम वर्कस यानी एनजाम फंक्शन की जगह हम यू कह सकते हैं कि एनजाइम काम किस तरह से करता है हाउ द एनजाइम इज़ परफॉर्मिंग इट्स जॉब पहले तो हमें दिस शुड भी क्लियर के एनजायम्स जो हैं वो कभी भी सबस्टेट से जो प्रोडक्ट बन रही है उसकी नेचर को चेंज नहीं करने जा रहे हैं एंजाइम की जो ड्यूटी है ना ही एंजाइम की मौजूदगी में हम ये कह सकते हैं कि सबस्टेट जो है एक नई प्रोडक्ट जो है बनाने जा रही है बल्कि एंजाइम की मौजूदगी में जो सबस्टेट से प्रोडक्ट बनने का प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है फास्ट हो जाता है अब क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि एंजाइम के पास क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से एंजाइम्स सबस्टेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जो स्पीड है या जिसको हम रिएक्शन रेट कहते हैं वो उसको इन्हेंस कर देता है बढ़ाता है इसका आंसर सिंपल ये है कि जो एंजाइम्स हैं दे एक्चुअली लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी सब स्टेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी तो एंजाइम उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं लो करते हैं डिक्रीज करते हैं जिसकी वजह से जो है वो जी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होने से सब स्टेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है अब ये कि हाउ एंजाइम इज डूइंग दिस जॉब एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो कैसे करता है इसका आंसर है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ई एस कम्प्लैक्स जिसको बोलते हैं हम बेसिकली जब भी एंजाइम और सबस्ट्रेट करीब आते हैं तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के मालिकूल्स के दरमियान कुछ बॉन्ड्स बनते हैं सबस्ट्रेट के कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और एंजाइम के साथ जो बॉन्ड्स बनते हैं आप ये सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरम्यान जो बॉन्ड्स बन रहे हैं इसमें बेसिकली ज़्यादातर बॉन्ड्स वो होते हैं जो बहुत वीक इंट्रैक्शन जिसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज़्यादा बनते हैं या ऐसे कुछ वीक इंट्रैक्शन होते हैं लेकिन इसके साथ साथ कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बनते हैं तो अब यह है कि एन्जायम सबस्टेट कम्प्लेक्स जब बनता है तो बहुत सारे नए बॉन्ड्स बनेंगे अब जब जहाँ भी बॉन्ड्स बनते हैं तो बॉन्ड्स के बॉन्ड्स के बनने का मतलब यह है कि एनर्जी लेवल ऊपर जा रहा है इसलिए एनजाइम सबस्टेट कम्प्लेक्स जो होता है वो थोड़ा सा अनस्टेबल है क्यों क्योंकि एनजाइम सब्स्टेट कम्प्लेक्स का एनर्जी लेवल हाई होता है अब इस हाई एनर्जी लेवल के ऊपर जाकर ही बेसिकली सबस्टेट को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो प्रोडक्ट में क्या हो सकती है कन्वर्ट हो सकती है ठीक है अब ये जितना भी इसमें एक्टिव साइट के अंदर अगर एंजाइम के एक्टिव साइट के अंदर मौजूद है अमाइनो एसिड्स तो जितना भी सबस्टेट की बाइंडिंग अगर मैं ये पूछता जी सबस्टेट अमाइनोस जो एंजाइम के साथ बाइंडिंग कैसे करती है तो इसका आंसर ये है कि एक्चुअली एंजाइम की एक्टिव साइट में जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जब वो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है या इवन अमाइनो ग्रुप मौजूद हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स जो है एक्टिव साइट के अंदर मौजूद हैं जो सब्स्टेट के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट करेंगे वाट इज बाइंडिंग एनर्जी जब भी एंजाइम और सब्स्टेट कम्प्लेक्स बनता है तो एंजाइम और सब्स्टेट के कम्प्लेक्स बनने से एंजाइम सब्स्टेट कम्प्लेक्स के बनने से क्या होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे अच्छा जब बॉन्ड्स बनते हैं तो मालिक्यूल्स के दौरान जब एटम्स के दरमियान जब ग्रुप्स के दरमियान बॉन्ड बनेंगे तो बॉन्ड्स बनने के दौरान एनर्जी रिलीज होती है यही एनर्जी जो जिसको इसको हम कहते हैं कि बॉन्ड दिस द बाइंडिंग एनर्जी है ये जब भी सबस्टेट और एंजाइम के दरम्यान कम्प्लेक्स बनेगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीक इंट्रैक्शन मेनली डिवेल्प होंगे अच्छा वीक इंट्रैक्शन को हम वीक बॉन्ड्स भी कहते हैं कि एंजाइम और सब्स्टेट के दरम्यान क्या होगा कि वीक बॉन्ड्स बनेंगे उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन वीक बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज होगी तो इस तरह से जो बॉन्ड्स बनने से जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी सबस्टेट का मालिकूल यूज़ करेगा टू बी कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट इस वजह से जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी रिलीज़ होगी उतना ही एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी कम होगी और सबस्टेट आराम से जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती चली जाएगी तो इसका मतलब यह के बाइंडिंग एनर्जी जो है वो एनजाइम सबस्टेट कम्प्लेक्स से बनने वाली एनर्जी जो ये वो एनर्जी है जो रिएक्शन को आगे ड्राइव करती है रिएक्शन को आगे लेकर चलती है सो so, अगर मैं जो हम ये बात करते हैं कि एनजायम जो है दे लोअर एक्टिवेशन एनर्जी तो इसका सिंपल आंसर ये है कि बहुत सारे बाकी फैक्टर्स के साथ साथ बाकी फैक्टर्स में ये है कि एन्ज़ाइम की एक्टिव साइट एक खास इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है सबस्टेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए लेकिन इन्वायरमेंट के साथ साथ जो बाइंडिंग एनर्जी की फैसिलिटी है कि एनजाइम और सबस्टेट कम्प्लेक्स से बाइंडिंग एनर्जी रिलीज़ होगी जो कि क्या करेगा सब को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगी सो वाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ एनजाइम और रिएक्शन रेट अच्छा एक चीज़ तो आपने यह क्लियर होना चाहिए हमें कि बेसिकली जो एनजाइम्स हैं जो सबस्टेट से प्रोडक्ट पहले बन रही थी एनजाइम की गैर मौजूदगी में एनजाइम के आने से भी वही प्रोडक्ट बनेगी यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एंजाइम के आने से सब स्टेट अगर प्रोडक्ट ए बना रहा था अब प्रोडक्ट बी बनाना शुरू कर दे नहीं बल्कि अगर वो पहले प्रोडक्ट ए बन रही तो एंजाइम की मौजूदगी में भी प्रोडक्ट ए बनेगी फ़र्क ये पड़ेगा कि एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन रेट इनॉर्मस हो जाता है इट मे बी थाउजेंड्स टाइम्स इट मे बी मिलियन टाइम्स यानी इसका रिएक्शन रेट जो होता है वो इवन अप टू बिलियन टाइम्स जो हो सकता है कि रिएक्शन रेट एंजाइम के जो रिएक्शन रेट जो इनॉर्मसली इंक्रीज़ होता है रिएक्शन रेट क्या है उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है